हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी आरएस अग्रवाल सॉल्यूशन की एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 11 और 12। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -5/8 सो एज टू गेट -3/2। मतलब हमारे को क्या है, माइनस के 5/8 में ऐसा क्या ऐड करें जिससे कि कितना मिल जाए, माइनस का 3/2 मिल जाए। सिमिलर क्वेश्चन ऐसा है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -1 सो एज टू गेट 5/7। कि -1 में ऐसा क्या ऐड करें कि जिससे कि हमें क्या मिल जाए, 5/7। तो हमें वो नंबर फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को कुछ मान लेते हैं। लेट द नंबर विच शुड बी एडेड बी एक्स। मान लो कि वो क्या है, एक्स। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो उसने क्या बोला है कि हम क्या करें, इस नंबर में क्या ऐड करें, एक्स ऐड करें जिससे कि क्या मिल जाए, ये मिल जाए। इसका मतलब यही तो बनता है भाई, इसमें क्या ऐड करें। तो हमने मान लिया वो एक्स ऐड करो, तो इसको इसमें ऐड करने पे कितना आना चाहिए, -3/2। तो हम इसको लिखते हैं, देखो -5/8 में अगर एक्स ऐड करेंगे तो -3/2 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में यही बोला है, तो -5/8 उधर जाके क्या हो जाएगा, +5/8 हो जाएगा। -3/2 ऑलरेडी पहले से था इधर, ये क्या है, लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा, तो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। तो 5/8 आगे क्या होगा, देखो दोनों का एलसीएम लोगे तो 8 आएगा। इस 8 में 2 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम होगा, 4 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -12 आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस आएगा। इस 8 के अंदर इस 8 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम होगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। आगे ऊपर और देखो, 12 में से 5 माइनस करोगे तो 7 आएगा, नेगेटिव बढ़ा इसलिए -7 आ जाएगा। मतलब हमारे को क्या करना पड़ेगा, इस नंबर में -7/8 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमारे को क्या रिजल्ट मिलेगा, -3/2। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। सेम ऐसा ही क्वेश्चन यही है, तो यहाँ भी क्या करता हूँ, लेट द नंबर विच शुड बी एडेड बी एक्स। तो ये चीज़ मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे डैश डैश करके लिख देता हूँ। लास्ट में क्या लिख दिया मैंने, केवल उस नंबर को एक्स मान लिया। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि भाई इस नंबर का एडिशन कितना आना चाहिए, 5/7, यानी कि -1 + x = 5/7, और -1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो 1 आ जाएगा, कितना, सॉरी इसके नीचे 1 लगा दोगे, 7 और 1 का एलसीएम 7 आ जाएगा। फिर 7 में 7 से डिवाइड करोगे 1 टाइम होगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस लग जाएगा। इस 7 में 1 से डिवाइड करोगे तो 7 टाइम होगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आएगा। फिर क्या होगा, ऊपर तो हो गया 12 और नीचे हो गया 7, तो हमारा वो जो नंबर होगा वो कितना होगा, x = 12/7। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, तब तक के लिए थैंक यू।